ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਲੈਸ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਸ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੈਕਸ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਰੋ ਦੋ ਪੀਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੋ ਤੋ ਜੇ ਚਿਕਨ ਗੋਸ਼ਤ आतंकवादी हो गया आतंकवादी गोश्तखोरी के साथ हो गए। हेलो फ्रेंड्स ऑफ फुल टाइम खाने के साथ आपका मेज़बान महताब खान हाजिर है। तो आज हम जिस जगह पे आए हैं वो बहुत ही फेमस बहुत ही हाइजेनिक और बड़ा ही ज़बरदस्त पूरे सरगोधा में वेल नोन और फेमस तरीन होटल पीसी होटल सरगोधा में आज हम आए हैं। तो इसको 22 से 24 साल होने वाला है इस होटल को और सबसे पुराना जो होटल आप सरगोधा में जिसे कहेंगे वो इस होटल को खिताब जाता है। अगर आप खिताब देना चाहें तो ये होटल को जाएगा कि यार सबसे पुराना ये होटल सरगोधा में कायम है और इसकी जो क्वालिटी है जो क्वांटिटी है वो भी बड़ी ही कमाल की है और उनका जो बेसिकली जो फूड की क्वालिटी है वो भी बड़ी मतलब ज़बरदस्त है और हाइजेनिक है और जो सीटिंग एरिया है और जो सर्विस है मैनेजमेंट है शेफ सब कुछ वन फर्स्ट क्लास टपो टाप। तो ये चीज़ है तो आज इनका जो हम रिव्यू पहले भी आपने मेरे चैनल पे देखा होगा मैंने पहले भी किया था लेकिन आज जो रिव्यू करेंगे वो तकरीबन आलमोस्ट 24-25 डिशेस इन्होंने हम ट्राई करेंगे। इतना ज़्यादा बजट नहीं है अपने को लेकिन फिर भी वो 1100 में इनके जो बुफे हैं उनकी प्राइस और 1100 में 24 से 25 डिशें ओए होए लुट लेना खा लेना ख़त्म कर देना फक्का मार देना और मतलब मैं कहना बस सारा कुछ हजम भी कर लेना है तो छड़नी नहीं कुछ है अपना भी है हजम रख के इंशाल्लाह हमने उन्हें 1100 देना है कि भाजन हूँ असं इतना खा लिया है हूँ 1100 पूरा हो गया साढ़ा। तो इतना कम रेट और बड़ा ही ज़बरदस्त रेट मुझे तो लगा यार बहुत ही मज़े का और मतलब बड़ा ही डिसेंट सा रेट उन्होंने 24-25 डिशों का दिया है और वो भी पीसी जैसा ब्रांड एक होटल पे आपको ये रेट मिलना बड़ी कमाल की और बड़ी ही आपकी खुशकिस्मती वाली बात है जनाब। काफ़ी सारी कोसीन अच्छा कोसीन का मतलब ये है मैं आजकल थोड़ी फीलिंग लैन लग गया वहाँ क्योंकि तुसी सब्सक्राइब करने लगी हो तो अच्छा इस कुसीन का मतलब ये है कि फूड की जो इकसाम है तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज सर अंजाम देना पे तो चाइनीज़ भी होंगे जो इनका बुफे है पाकिस्तानी राइस मंचूरियन उसके बाद काबली पुलाव चिकन कढ़ाई उसके बाद कबाब मसाला हरा मसाला उसके बाद ग्रीन मसाला या रशियन सैलेड दही भल्ले इतनी चीज़ें ज़बरदस्त हैं खाएँगे और आपको बताएँगे और फूड की जो रिव्यू है वो भी हम फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी का जो रिव्यू है वो हम करके लाजमी से आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें सबसे पहले इन्होंने चिकन फ्राइड राइस ये है उसके बाद जो है ये चिकन मंचूरियन राइस के ऊपर उसके साथ जो है ये जी अच्छा ये चिकन कोरमा कोरमे वाला और उसके साथ ये है जी कबाब मसाला जी कबाब ओए ओए और उसके साथ है जी ये बिरयानी ओए ओए हैवी हैवी हैवी
ये रोटी और जो इनका है तो चपाती और नान जो है वो है, उसके बाद ये जी मिक्स वेजिटेबल, आई लव मिक्स वेजिटेबल, और ग्रीन चिकन मसाला, अच्छा ये भी ट्राई करेंगे। उसके बाद ओए होए होए, ये चाइनीज़ ग्रेवी है जी, कौन सी ग्रेवी है जी, वेजिटेबल है, चिकन वेजिटेबल है जी, और उसके साथ ये ज़ीरा राइस है, ओए होए होए। अच्छा उसके बाद ये जो है ओए और खीर, स्वीट 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 खीर, और उसके साथ ये हलवा, शान हलवा जी, शान का हलवा, और उसके साथ ये जो है जी मलाई बोटी, आई लव बारबेक्यू। उसके बाद है जी ये वाइट कोरमा, वाइट चिकन कोरमा, और उसके साथ है जी ये शाही दाल, है शाहवानी दाल, और साथ में है जी चिकन बोटी, चिकन बोटी, ओए बोटी सुरख सुरख हुई पई है, आखिर आई पई है। अच्छा और ये जो है जी सीख कबाब, ओए ओए, उसके साथ ये वाला सेक्शन रह गया इस सेशन में, ओए रशियन सैलेड, आए लाए हैवी फुल, और ये एग पूंडी पुटिंग, अच्छा पुटिंग, तो ये चीज़ें सारी मेन्यू में, आए हाय हाय देखें, और साथ में सॉस पड़ी हुई है, सॉस जो है ये इमली की है, और रायता, और उसके बाद ये सैलेड, सैलेड है इनका, ये सैलेड चेक करें। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे अपना ये जो राइस सेक्शन है, राइस सेक्शन में सबसे पहले चिकन फ्राइड राइस, उसके बाद बिरयानी, उसके बाद ज़ीरा राइस। अच्छा सबसे पहले ये जो बिरयानी है ना, ये बिरयानी, ये बिरयानी का एक तो बनाओ फुल स्पून, तुम्हें दन कर दो फुल करके, या फ्रेश तो चीज़ है ही है, क्योंकि मैंने पेट जो लगाई होती है उससे इनका जो तो है, मतलब आग पे दो तीन घंटे जो भी कुछ होता है उसमें आग रहती है। ये जो फ्रेश पीस है ना, ये राइस देखो लगता सूत्र का पूरा, ये टोटा चावल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करना सुपर चावल, और बुफे में ऐसी क्वालिटी रखना इम्पॉसिबल लगता है। ये ब्रांड्स या जो बड़े बड़े फूड चेन है वो ये कर सकते हैं, आम जो ढाबा या ऐसा वो इतना नहीं इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा अब ये चिकन मंचूरियन के साथ हम ये जो है राइस, इसको इसको करते हैं फुलफिल, हेवन ऑफ कैचअप, इतना मज़ा, इतना लजीज, कैचअप बिल्कुल जैसे कहते हैं प्योर, मतलब कैचअप में बना हुआ मंचूरियन होंगी कैचअप, अरे जेरे बोनलेस जे छोटी छोटा पाई छोटी पैन जे छोटे छोटे चक्स होंगे ना, वो जरा चक्स मजा करा रहे हैं, दिल कह रहे चक्स में चक्का बांध रहे हैं, अब है ज़ीरा, ज़ीरा जरा है ना जे बिल्कुल जिस तरह राइस होंगे ना उबले हुए ज़ीरे में बनाए, इस पर हम डालते हैं चिकन, चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ ग्रेवी, ये बिल्कुल मतलब चावल बॉयल्ड चावल है, उसको ज़ीरे का टच देता है, वो कोई फीलिंग मतलब जिस तरह नाम तो ही पता है ज़ीरा चावल, ज़ीरा राइस बिल्कुल वैसे, ऊपर इसके जो चाइनीज़ ग्रेवी डाली है सारा टेस्ट वो ही लेगा। आप जो दूसरा राउंड शुरू किया, दूसरे राउंड में ये चिकन कोरमा, और उसके बाद चिकन वाइट कोरमा, उसके अलावा चिकन कबाब मसाला है, उस तो बाद जनाब ग्रीन मसाला है, उस तो बाद जी है मिक्स वेजिटेबल, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। तुसी भी कहोगे आज की नाम है, मुफ्त पूरी लाई हुई है, लेकिन भाजन जो तो बुफे होए या फ्री का खाना, फ्री का ना हो मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ना, अगर तुम भी थोड़ा सारा कुछ मिले तो लाजमी यार खाना चाहिए। अच्छा अब सबसे पहले जो चपाती रोटी है, रोटी का करो दो पीस, मैं तो दो ही करना, थोड़ा पता नहीं, एक तो जान दो, तो ये चिकन गोश्त, आतंकवादी होगी, आतंकवादी गोश्त खोरी के साथ हो, तो यार ये चिकन जो वाइट है इसमें क्रीम डाली हुई है, उसके बाद ऊपर से इन्होंने जो टच दिया हुआ है ब्लैक पेपर का,
चिकन वाइट तो नाम तो ही पता लग गया। अच्छा उसके बाद अब ये कबाब मसाला, इसमें जो करते हैं कबाब जो बारबेक्यू वाले कबाब होते हैं उन्होंने कढ़ाई च पा के मसाला मसूला करके उसके पीसिस करके उन्होंने हांडी शोरबा टाइप मतलब ग्रेवी टाइप बना के उन्हें शुरू कर देना। और देखो ओए ओए हो सॉफ्टनेस देखो मसाले की सॉफ्टनेस देखो ये इंतहाई कबाब मसाला जी अखीर जो उन्होंने ग्रेवी पर टमाटर घी ऑयल डाल के जो उन्होंने बनाया उसमें जो कबाब ये करते हैं टक टक करके जो पीसी बनाया और वो तो मैं बता नहीं सकता इतना मज़े का इतना डिलीशियस जो टेस्ट आ रहा है। इससे पहले सुपर से भी ऊपर जो तीसरी डिश है वो ये ट्राई करते हैं हम चिकन कौरमा। चिकन कौरमे का कलर बता रहा है भाजन रेड कलर है और एक ग्रेवी नाल ग्रेवी बताते हैं सारा कमाल चिकन का ही है। एक चिकन मुर्गी है 200 डिशा बना लो जी लेकिन जो इसमें आगे रेसिपीज होती हैं जो मसाला होता है जो खाना होता है जो भी होता है वो असल वो कारी कारी होती है ये देखें अच्छा ये भी बहुत ही जोर है। हम कहते हैं चिकन ग्रीन मसाला देख रहे हो ग्रीन मसाले वाले उन्होंने किया हुआ है चटनी नहीं होती वैन जो तो मतलब आम बंदा जो मैं पहली दफ़ा देखे मैं कि यार तो उत्तर चटनी इन्होंने डोस दी था ही इनका कलर लेकिन नहीं ग्रीन मसाले का एक अपना ही उन्होंने सॉस डाली है। अब ये सॉस के और इसके साथ डीप करके हो बड़ा मज़े का यार ये ग्रीन मसाला हल्का सा जैसे मतलब ग्रीनिश टाइप का कलर है लेकिन बिल्कुल अंदर से आपको मेंट या वो वाला बिल्कुल खटास महसूस नहीं हो रही है। लेमन का ऊपर इन्होंने किया हुआ लेमन सिरका जो भी डाला हुआ लेकिन जो उसका फ्लेवर है ना ग्रीन मसाले का ओए ओए अखीर फुल अम्मी पादो प्रोग्राम वाला हिसाब है जनाब बहुत ही मज़े का लजीज उमदा। अच्छा टाइम थोड़ा है हम ये भी ट्राई करते हैं मिक्स सब्जी ये सब्जी मिक्स मतलब आलू उसके बाद मटर गाजर प्याज वो ये बहुत अच्छा। अगर आप गोश्त के बाद ये सब्ज़ी खाएंगे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ऑन एवरेज अगर आप पहले सब्ज़ी खाते हैं बहुत ही मज़े की सब्ज़ी की है बहुत ज़्यादा अभी कबाब देख लो सर चिकन सीख कबाब सुखा सुखा का मुँह देंगे करिए अच्छा ज़बरदस्त कहना बेसिकली मसाला और जो भी ऐड कर के वो बस अच्छा टेस्ट है। तो कबाब तो वैसे का वैसे ही अच्छा ये जो उनकी बोटी है चिकन बोटी ये चिकन बोटी ट्राई करें थोड़ी मलाई बोटी थी इन्हों की बोटी चिकन बोटी है लालो लाल ये बारबी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कम लगी हो मतलब बारबी जो प्रॉपर एक फील के साथ एक टेस्ट के साथ आ रहा है अपना मुँह में बिल्कुल उसका जायका महसूस हो रहा हूँ इंतहाई लाजवाब बारबी तो सेशन फुल बटा फुल हेवन बारबी का सा कोयलों का कमाल होता है लेकिन जो बारबी है ना और मतलब इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद अब लास्ट में हम डेजर्ट्स को ट्राई करेंगे जिसमें होगा खीर शाही हलवा जो भी है वो आपको उसका फाइनल टच फाइनल व्यू देना बाकी है वो फाइनली जो टच रहेगा ऐसे फाइनल बिल्कुल खीर और शाही हलवा। अब ये चीज़ है मीठा
मेरा तो फेवरेट जो है वो मीठा है। मैं मीठा खुद बोलता भी हूँ और मीठा सुनना भी पसंद करना हूँ, मीठा खाना भी पसंद करना, हर चीज़ मीठे मीठे में अच्छा मुझे लगता है। अच्छा तो ये बड़ी एक ना इतनी थिन ना इतनी थिक, बड़ा प्रॉपर और ये यार बड़ा ना जो स्वीट्स का टेस्ट आ रहा है, स्वीट्स का ये टेस्ट होता है जैसे घरों में वो टूटियाँ नहीं बन रही है ना, खीर बन रही है ईद पे या मतलब कोई भी इवेंट्स पे, बिल्कुल घर वाला टेस्ट और बड़ा ना एक गिरी मेवा और उसके साथ बहुत ही टेस्ट हो, मीठा ज़्यादा लेकिन जो कमाल का मीठा, आप पे बोझ नहीं बांध रहा, बिल्कुल आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार आप मीठा खा रहे हैं और पेट फुल होता जा रहा है, ऐसे लग रहा है मीठा और ज़्यादा खाते रहे। यार दिल करते प्लेट के अलावा चाट ले, इतनी मज़े का यार, इतने कमाल की खीर का टेस्ट मुंह में जा कर जो फुल रहा ना, वो ही चीज़ कमाल की लग रही है मुझे देखो। ये फाइनल जो ये फुल जिन्हों कहते हैं ना टेस्ट येलो यहाँ पे रंग वही येलो शान हलवा। अच्छा ये टेस्ट करते हैं सूजी का हलवा, तब अब ये देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगेगा। ये भी एक अच्छा टेस्ट है, अगर आपने खीर के बाद से ट्राई किया तो थोड़ा सा आपको इसमें कम लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखते हैं और इसको थोड़ी सी मकदार में ही खाना मुनासिब रहेगा, अपने से भी तैयार इर्द गिर्द लोगों से भी, मतलब बहुत ही ये ठीक साइड है यार। ओवरऑल जो फूड की क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट फूड, अगर मैं आपको कहूँगा कि यार सरगोधा में जो प्रॉपर सब फीलिंग्स के साथ सब टेस्ट सब डिशेस के साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप किसी होटल एक दफ़ा लाजमी आए ट्राई करें और बिल्कुल बहुत ही रीज़नेबल। अभी तो ये बुफे में है, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जब आप रमज़ान के बाद ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम थोड़ी सी भी चीज़ें कम होंगी, लेकिन जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और यार बहुत ही मज़े का ओवरऑल टेस्ट है, सुपर से भी ऊपर। तो माशाल्लाह हम आए हैं पीसी होटल के ऑनर के पास, तो सबसे पहले हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने अपने मसरूफ़ टाइम में से हमें अपना टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा कोई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने ये बुफे स्टार्ट किया है तो इसके पीछे क्या वजह है, मतलब इतने कम रेट्स में इतने कम प्राइस में आपने इतना सारी डिशें आगाज़ की हैं, इसके पीछे क्या मकसद है आपका, कस्टमर को आपने आना है या सर्विसेज को अपना बेहतर बनाना, क्या है कस्टमर का भी है जितना बंदा कोशिश करे प्रॉफिट ना लो जो भी चीज़ है अच्छी चीज़ अल्लाह की रजा के लिए ठीक हो गया माशाल्लाह और इंशाल्लाह इसी पूरा महीना रखा सताई रमजान का माशाल्लाह दो घंटे डेढ़ घंटे का टाइम है ठीक है अनलिमिटेड जितना मर्जी खाए बंदा जितना मर्जी कोई खाए। अच्छा हर चीज़ कोफा सिस्टम ठीक है हर चीज़ देने पर माशाल्लाह। तो उसके बाद रमज़ान के बाद आपने जो मेन्यू होगा वो वैसे का वैसे ही चलेगा, उसका क्या सीन है? हाँ जो रूटीन का मेन्यू चल रहा है ठीक है बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा माशाल्लाह आपके पास ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, कस्टमर जब दो ही मैं आया वहाँ कस्टमर बैठे ही होंगे ने अपने ना टेबल से माशाल्लाह खा रहे होंगे, अभी पीछे रास की है कि यार थोड़े खाने का शेफ दे मतलब स्पाइसिस का कमाल है या थोड़ी मैनेजमेंट का कमाल है कि किस चीज़ का मतलब बहुत शुक्रिया सर, इतना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।